हब्बा खातून और उनका प्यार कश्मीर की वादियों में अमर हो गया। तो आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें। ऐसा कहते हैं कि वो आज भी इन पहाड़ियों में घूमती हैं अपनी प्यार की तलाश में। आई होप आप में से बहुत सारे अपने प्यार की तलाश में होंगे या उन्हें मिल गया होगा कोई ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की ये जो ब्लॉग है, हम हब्बा खातून माउंटेन जा रहे हैं। भी प्लान नहीं था, बट इरफान के भैया से हमने कहा, तो फिलहाल अभी गाड़ी से हम जाएंगे वहाँ पे, बस थोड़ी ही दूर पे। आपको मैं थोड़े आगे चल के बताऊँगा पहाड़ के पास, हब्बा खातून माउंटेन्स के पास, कि ये पहाड़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अभी हम फिलहाल रास्ते में ही हैं और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी हुई है। हम जब निकले तो बारिश एकदम हल्की हल्की हो रही थी, अभी काफ़ी तेज़ हो गई है। और जो हब्बा खातून माउंटेन पीक है उसका भी पूरा एकदम कोहरे से ढक गया है। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि उससे पिक्चर भी क्लियर आएगी या नहीं। अभी कितना ऊपर चलना है हमें? और ये नदी कौन सी है? गाइस, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हब्बा खातून माउंटेन है। और आप सोच रहे होंगे कि आसपास इतने पहाड़ हैं यहाँ पे, उसमें से मैं हब्बा खातून माउंटेन ही मैंने क्यों प्रेफर किया, बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। पहाड़ तो यहाँ बहुत सारे हैं, बस उसमें से ये इसलिए खास है क्योंकि हब्बा खातून जो है, जिसके नाम पे ये पड़ा है, वो 16 सेंचुरी की कश्मीर की पोइटिस रही हैं। हब्बा खातून की शादी कश्मीर के रूलर जो थे यूसुफ शाह चक, उनसे हुई थी। और इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हब्बा खातून की लाइफ जो है पूरी स्ट्रगल से भरी रही है। और 16 सेंचुरी में जब ये पोइटिस थी, तब उस टाइम कश्मीर में इन चीज़ों का बिल्कुल भी कोई नामो निशान नहीं था। कह सकते हैं शी वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द लिटरेचर्स इन कश्मीर। जब यूसुफ शाह चक को जब अकबर ने दिल्ली बुलाया था मुगल रूल के टाइम में, तो उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद से ही जो हब्बा खातून थी वो कश्मीर के वादियों में वो घूमने लगी थी, और फिर वो गुरेज आके बस गई थी। और शी लेड अ वेरी सिंपल लाइफ आफ्टर दैट। एक सन्यासी जिसको एसिटिक बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी लाइफ उन्होंने जी यहाँ पे। और गुरेज के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, सो दे मेड श्योर कि उनका नाम कभी भुलाया ना जा सके। और उसी वजह से इस पहाड़ का नाम हब्बा खातून रखा गया, ताकि वो हिस्ट्री में बियॉन्ड एजेस रिमेंबर रहें, उनको सभी याद करें। और यहाँ पे जैसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और आगे चल के एक चश्मा भी है जिसको हब्बा खातून का चश्मा बोलते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो आज भी इन पहाड़ियों में घूमती हैं अपनी प्यार की तलाश में। आई होप आप में से बहुत सारे अपने प्यार की तलाश में होंगे या उन्हें मिल गया होगा कोई ना कोई, बट हब्बा खातून अभी भी ये मानना है, ऑल्दो ये मिथिकल है। और यहाँ से जस्ट बगल से जो नदी बहती है, इसको किशन गंगा बोलते हैं। और इस नदी के, इस रिवर के बारे में मैं आपको और आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। बाकी चलते हैं चश्मे की तरफ। ये रहा, मैं हब्बा खातून के चश्मे के पास खड़ा हूँ।
ऐसा मानते हैं कि हब्बा खातून जब पुराने टाइम में यहाँ पानी भरने के लिए आती थी तो उनका मटका जो था वो गिर गया था यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ। ये आगे किशन गंगा रिवर में जाके मिलता है। हब्बा खातून एक किसान फैमिली से थी, उसके बाद वो कश्मीर की रानी बनी और वो पोइटेस भी थी। तो हब्बा खातून के जो गाने हैं वो आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजते हैं। इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नए एडवेंचर के साथ एक नए व्लॉग में। फिलहाल अभी मैं गुरेज वैली।